लो मैं आ गया आपका अपना गुरप्रीत सिंह पत्रा और अपने साथ लाया हूँ मेरी न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की हेड को सलोनी मैम। सलोनी मैम आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएसी फिट में। ऑडियंस आपको देख रही है आज और सिर्फ आपको सुनती आई थी, आज आपको देखेगी भी। जितने हमारे आईबीएस के पेशेंट्स हैं, पाइस के पेशेंट्स हैं, क्रॉन्स कोलाइटिस, जितनी ये बीमारियाँ हैं जिनके पेशेंट्स हैं, न्यूट्रिशन जो बनता है आपका डिपार्टमेंट जो है वो है इनके कंट्रोल में। मेरा उद्देश्य था, मेरा ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो का कि इनको इंट्रोड्यूस करवाना और इनसे कुछ सवाल पूछने जो कि आपके सवाल भी हो सकते हैं। मैम, जितने हमारे पेशेंट्स हैं आईबीएस के, वो पूछते हैं क्या एक डाइट गुरप्रीत सर क्यों नहीं आप एक डाइट बना के डाल देते यूट्यूब पे, क्या एक डाइट सब पे काम करेगी? तो इसके ऊपर मैं चाहूंगा आप बताएं क्या ऐसा पॉसिबल है। सर, आपने जैसे बोला कि क्या एक डाइट सब पे काम करेगी, सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज आपका बॉडी स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी सब कुछ डिफरेंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मुझे मशरूम सूप नहीं करता, मुझे उससे एलर्जी है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको भी उससे एलर्जी हो। सो ऐसे ही है कि सबका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सबका बॉडी टाइप डिफरेंट है, सो हो ही नहीं सकता ऐसा कि एक ही डाइट हम यूट्यूब पर बना के डाल दें सबको सूट करे। सो यू नो, हमें एक पेशेंट की बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें उसको, हम इवन हमारे पेशेंट जितने भी होते हैं, हम उसे एक फॉर्म फिल करवाते हैं। हम वो फॉर्म फिल करवाने का एम ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम उनसे सब कुछ एलर्जीज पूछते हैं, फूड एलर्जीज, यू नो, मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं, ताकि हमें पता चले कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी टाइप कैसा है, उन्हें कोई फूड एलर्जी तो नहीं है, यू नो। सो उसी हिसाब से हम एक एक चीज़ ध्यान में रख कर उनकी डाइट प्लान बनाते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात बोला, ये तो मैं बताना भूल ही गया था, फूड एलर्जी दिमाग स्किप हो गया था मेरे, बिल्कुल सही बोला है उन्होंने। किसी को मशरूम का नाम ले, किसी को मूंगफली से एलर्जी होती है, किसी, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे कई बार मूंगफली से एलर्जी हो जाती है, अब हो सकता है आपको ना होती हो। तो ये जो एलर्जी है ये हर एक आदमी के डीएनए से पे डिपेंड करती है, उसके जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। ये नहीं कि जो खाना इनको सूट करता है वो मुझे सूट करेगा, जो मुझे सूट करता है वो इनको सूट करेगा, हर एक आदमी अलग है। बहुत अच्छी बात बोली मैम, मैं मिस कर गया था ये एलर्जी वाली बात, इसलिए आप हैं, एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि न्यूट्रिशन का क्या रोल है इन बीमारियों को ठीक करने में, ये आईबीएस हो, कोलाइटिस हो, क्रॉन्स हो, कि इसका जो डाइट है, न्यूट्रिशन से क्या रोल है? सर, सारा रोल इसमें न्यूट्रिशन का ही है। हमारे पास कितने आईबीएस पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हम इतने सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो हम उनको एक ही बात बोलते हैं कि आप खुद सोचिए कि आप ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। अगर कोई बीमारी होती, आप 4-5 दिन या 1 महीने दवाई खाते, आप ठीक हो जाते। बट ये आईबीएस है, क्रोन्स है, अल्सरेटिव है, ये जितने भी यू नो प्रॉब्लम्स हैं ये है ही नहीं कोई डिजीज, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में कितनी भी दवाइयाँ खा लीजिए, कितनी भी यू नो डॉक्टर्स को दिखा लीजिए, टेस्ट करवा लीजिए, डिटेक्ट नहीं होते। ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन से ही ठीक हो सकते हैं, हमारे खान पान से, फिजिकल एक्टिविटीज से, लाइफस्टाइल चेंजेस से ही ठीक हो सकते हैं। सो यू नो, इसमें सारा रोल सिर्फ हमारे खाने पीने का है। अगर लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस कर लिए जाएं, मॉडिफिकेशंस कर लिए जाएं, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा अच्छा बना लिया जाए, उसे बेहतर यू नो एक ट्रैक पे लिया जाए, सो ये सब डिसऑर्डर्स बिल्कुल कंट्रोल में आ सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो मैम ने कहा कि ये बीमारियां हैं आईबीएस, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत है, एक प्रोफेशनल की जरूरत है, सलोनी मैम जिस एक्सपर्ट की जरूरत है, जो कि आपको गाइड करे, आपको सही राह दिखाए और आप ठीक हो पाए। मैम एक बार अपनी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या कर रखा आपने, प्लीज ऑडियंस को बताइए। ओके सर, सो मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था, एंड ग्रेजुएशन मेरा जो स्पेशलाइजेशन था वो फूड एंड न्यूट्रिशन था, फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर, वेरी गुड। देन उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स ओनली। सुना आप लोगों ने, सुना ध्यान से क्या बोला मैम ने, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स इन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। तो भाई ऐसा नहीं है कि मैं क्यों पूछा मैम, मैंने आपसे बहुत सारे ना ऐसे वो कहते हैं ना, वो नत्थू राम, बहुत सारे नत्थू राम हैं, वो पंडित जो होते हैं, पोंडा पंडित को बोलते हैं हम, वो बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे, पता नहीं क्या क्या ज्ञान देते रहते हैं आईबीएस के ऊपर,
ये खा लो वो खा लो, एक कोई आदमी है जो कहता है रजनीगंधा खा लो उसे ठीक हो जाएगा आईबीएस, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कोई कुछ नहीं है, और जनता ऐसी है, इतनी भोली जनता है, वो समझते नहीं है कि एक क्वालिफाइड आदमी ही आपको ठीक कर सकता है, आपको डाइट दे सकता है। ये नहीं कि कोई भी आदमी उठ के आएगा, आया यूट्यूब पे, चलो भाई खीरा खा लो, खीरा खिला दिया, मालूम पड़ा अगले आदमी को खीरे से सर्दी होती थी, नेक्स्ट डे उसका नाक ही बंद हो गया, उसको जुकाम लग गया, उसको बलगम बननी शुरू हो गई। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन रियली मैटर्स, कि किस आदमी की क्या क्वालिफिकेशन है। कोई भी आदमी उठ के अगर कोई ज्ञान दे रहा है उसको मत मानिए, अच्छे पढ़े लिखे जो इंसान है उसके पास जाइए और अपना जो तकलीफ है उसको ठीक करवाइए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत अच्छे अच्छे आईबीएस पे, पाइल्स पे, कोलाइटिस पे, क्रॉन्स पे हमारे वीडियो आने वाले हैं, जो कि आपको मोटिवेट करेंगे, आपको राह दिखाएंगे कि मुझे लाइफ में जाना कहाँ है और कैसे अपनी बीमारियों को ठीक करना है। धन्यवाद।